हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते। देखिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक पार्ट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो भाग है, ये वाला शिक्षक है, और ये वाला भाग लड़कियां हैं, और ये वाला भाग विवाहित है। ठीक है, अब आपको यहाँ 3, 2, 4, 4, 1, 6 और 5, 7 ऐसी संख्या आपको दी गई है। अब इसने कहा है कि प्रश्न है, कितनी लड़कियां शिक्षक है लेकिन अविवाहित है। शिक्षक है, शिक्षक तो है, ये सब लड़कियां हैं। ये 4, 2, 1, 6 ये सब लड़कियां हैं। ये सब क्या है? शिक्षक है लेकिन अविवाहित है, विवाहित नहीं है। और ये सब विवाहित का आंकड़ा है। ये एरिया किसका है? विवाहित का एरिया है। तो आपको क्या बताना है? विवाहित, यानी विवाहित का जो एरिया है, ये यहां से यहां तक, इस एरिया में संख्या को आपको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है। फिर इसके बाहर देखते हैं तो 4, ये केवल लड़कियां हैं, ये शिक्षक नहीं है। फिर यहां आते हैं 2, 2 एक ऐसी संख्या है जो लड़कियां भी है, शिक्षक भी है, और अविवाहित विवाहित नहीं है, विवाहित के दायरे में भी नहीं आ रही, विवाहित से अलग है, अविवाहित है। ये 2 कौन से संख्या है? 2 लड़कियां ऐसी है जो अविवाहित है, ये शिक्षक भी है और लड़कियां भी है। 2 संख्या ऐसी है जो, 2 लड़कियां ऐसी है जो शिक्षक है लेकिन विवाहित नहीं है, अविवाहित है। एक लड़की ऐसी है जो शिक्षक भी है और विवाहित भी है, विवाहित भी है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना होगा दोस्तों? 2, यानी यह अविवाहित के अंदर आ रहा है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो अपन किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। बाय।